प्यारे बच्चों, आज हम वसंत कक्षा 6 के एक पाठ नादान दोस्त, जो कि हमने इसका पहला भाग पिछली वीडियो में किया था, उसके भाग 2 के बारे में हम जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से उन्होंने चिड़िया केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों के चारे पानी की और उनकी धूप की, धूप से छाया करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएँ उन्होंने की थी। अब हम भाग 2 करते हैं, आइए पढ़ते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, मतलब बिल्कुल शांत होके सांस रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे, एकदम चुपचाप लेटे हुए थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी, हिफाजत मतलब रक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लगाकर लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने की, उसकी चारों टांगे बराबर नहीं थी, वो हिलता था। जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था ज़रा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को जितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। उसे डर भी तो लगता था ना कि कहीं गिर ना जाए, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कारनेस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कारनिस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कारनिस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने देखा कारनिस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। अब श्यामा को और ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है। अब वो ऊपर की तरफ देख के कहती है, ज़रा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़ कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर टुकड़ा ले आई। केशव ने चिथड़े, आप समझते हैं ना, पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े, झुककर कपड़ा ले आई। उसकी कई तह लगाकर उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों के नीचे बिछा दिया, तिनकों के ऊपर बिछा दिया और तीनों अंडे धीरे से उस पर चढ़ रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूँ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, तुम नीचे, गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी तो मेरी चटनी ही बना डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कारनिस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से नहीं बैठती हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने
माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे ना, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं रहा था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे, मतलब अपने भाई के प्यार के मारे चुप थी, या उस कसूर में हिस्सेदार होने की, क्योंकि वो भी तो बराबर की हिस्सेदार थी ना, दोनों ने मिलकर ये काम किया था, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे से पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। अब इस भाग में हमने क्या क्या समझा कि केशव स्टूल पर चढ़ा, स्टूल के नीचे चौकी लगाई उसने, और उसने क्या क्या रखा वहाँ पर, क्या मंगवाए थे उसने श्यामा से, चिथड़े मंगवाए थे, और चिथड़ों से उसने क्या किया था, उसने गद्दी बनाई थी ताकि अंडों को तिनकों पर न रहना पड़े और उनको आराम, अंडों को आराम मिले। और क्या मंगवाया उसने, टोकरी मंगवाई, और क्या, और उसको कैसे टिकाया, टहनी के सहारे टिकाया। और क्या मंगवाया उसने, चावल और पानी की प्याली, और उसने अंडों को, अंडे कितने थे, 3, और बहुत आराम से उनको रख दिया था। और उसने श्यामा को नहीं दिखाया था, क्यों नहीं दिखाया था, उसने क्या तर्क दिया था कि जब अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो हम उसको पालेंगे, अभी तुम क्या करोगी देखकर, वो बहुत आराम से हैं। और इतने में फिर क्या हो गया था, अम्मा जी आ गई थी और अम्मा जी ने दोनों को डांट कर वापस से सुला दिया था। तो ये वाला भाग यहाँ पर समाप्त होता है। इसका तीसरा भाग, तीसरा और आखिरी भाग जो है वो हम अगली वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है।